कहा जाता है कि पौराणिक चंपा शासकों ने वर्तमान वियतनाम में चंपा साम्राज्य पर शासन किया था और विशेष रूप से पौराणिक काल से सुदूर दक्षिण में पांडुरंगा पर। बहुत बाद में लिखे गए इतिहास में उनकी तिथि का ठीक ठीक उल्लेख है, लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले उनकी ऐतिहासिकता पर बहस होती है। चंपा एक हिंदू सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध है जिसने 7वीं शताब्दी से आज के वियतनाम के बड़े हिस्से पर प्रभुत्व किया था। जबकि पुराने इतिहास लेखन ने चंपा को एक समेकित राज्य माना था, नए शोध ने इसे दक्षिण से उत्तर पांडुरंगा, कौथारा, विजया, अमरावती और इंद्रपुरा तक ऐतिहासिक क्षेत्रों के एक परिसर के रूप में प्रकट किया है। चीनी और वियतनामी इतिहास और स्थानीय शिलालेखों में सदियों से दिनांकित शासकों की एक लंबी सूची का उल्लेख है, हालांकि कई अस्पष्ट बिंदु भी हैं। एक स्रोतों में चंपा के राजा के रूप में जाने जाने वाले शासक का निवास 5 नामित क्षेत्रों में से किसी एक में रहा होगा, जो बड़े चंपा क्षेत्र में अस्थायी रूप से सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर रहा था। 1471 में वियतनामी ले राजवंश के हाथों राजधानी विजया की लूट के बाद चंपा का आधा हिस्सा आक्रमणकारियों के हाथों खो गया। सदी के अंत में ही चंपा में हुई घटनाओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी मिलती है। 19वीं सदी के चाम इतिहास के एक सेट में लगभग 1000 से 1832 तक के 40 बिल्कुल दिनांकित राजाओं का उल्लेख है। 4 उनमें से कुछ का उल्लेख मंगबलाय इतिहास में भी किया गया है, जो विभिन्न राजाओं के गुण और रूपक लक्षण वर्णन देता है और विभिन्न पौराणिक कथाओं में जिन्हें बेलुकल कहा जाता है। 17वीं सदी से पहले के राजाओं के नाम और तिथियों की पुष्टि गैर चाम स्रोतों से नहीं की जा सकती है और वे शिलालेखों और इतिहास वृतांतों से ज्ञात ऐतिहासिक शासकों की सूची के अनुरूप नहीं है। इसलिए प्रारंभिक फ्रांसीसी विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि चाम राजा सूची का ऐतिहासिक मूल्य बहुत कम था या ये नाम वास्तव में पांडुरंगा में छोटे उपशासकों के थे। 5 बात के शोधकर्ताओं जैसे को धर्म ने तर्क दिया है कि चाम इतिहास केवल पांडुरंगा के राजाओं की सूची प्रदान करते हैं और जरूरी नहीं कि चंपा के मुख्य शासकों की सूची हो। इतिहास के अनुसार पहला राजा को उबालुआ 1000-1036 था, जो स्वर्ग से उतरा और बाल श्री बानिया नाई निनचू फान रंग में रहने लगा। 7 उसने पूर्णता के साथ काम किया, लेकिन राजा अभी भी उसके शासन से असंतुष्ट था। उसने अपनी आत्मा और शरीर को स्वर्ग के भगवान को सौंप दिया और मक्का में रहने चला गया। पोवालुआ अंततः उत्तराधिकारी की तलाश में चाम राज्य में लौट आया। फिर वह स्वर्ग लौट गया। वास्तव में उसका नाम अल्लाह का चाम प्रतिलेखन है और उसकी उपस्थिति 16वीं शताब्दी के बाद से चाम संस्कृति में इस्लामी प्रभावों के कारण है। अगले शासक को बिन्नासुर 1036-1076, जिन्हें नासुर या नासुरलक के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रकृति अच्छी घास की तरह थी। इसका वास्तव में क्या मतलब है ये स्पष्ट नहीं है, संभवतः वह सर्वज्ञ थे। उनका निवास स्थान बाल श्री बनय में था, जिसे बाल कैना किलेबंद महल भी कहा जाता था। ये नाम विभिन्न ऐतिहासिक राजधानियों को दिया गया था। पो पाटिक या पुटिक 1076-1114 तीसरे राजा थे, जो बाल श्री बनय में भी शासन कर रहे थे। उनका स्वभाव विभाजित घास और गांठदार घास जैसा था। उनके समय में बहुत युद्ध हुआ, हालांकि इतिहास में यह नहीं बताया गया है कि किसके खिलाफ युद्ध हुआ। पो सुलिका 1114-1151 अब बाल श्री बनय में सिंहासन पर चढ़े। गुप्त मंगबलाय क्रॉनिकल का कहना है कि वह विभाजित घास की प्रकृति का था। फिर एक आदमी को गिरते हुए देखा जाता है। दुर्भाग्य से इन शब्दों का व्यापक संदर्भ अज्ञात है, हालांकि वे उसके शासनकाल के दौरान गंभीर आंतरिक विभाजन का संकेत दे सकते हैं। अंतिम विशुद्ध रूप से पौराणिक शासक पोकलाउंग गराया 1151-1205 थे। वह जादुई शक्तियों वाली एक महिला पोसाहिना के पुत्र थे, जिन्होंने चाम कृषि अनुष्ठानों की रचना की थी। हालांकि अन्य कहानियों के अनुसार पोसाहिना बहुत बाद के शासक पोकासिप की बहन थी। एक दो पोकलाउंग गराय को तिसुंदराई के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें कोरी राजा का उपनाम दिया गया है, क्योंकि वे अपनी युवावस्था में कोरी थे। जबकि पहले 4 शासक नामों से ज्यादा कुछ नहीं है, पोकलाउंग गराय एक महत्वपूर्ण